कानपुर देहात में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के फेज टू कार्यक्रम के तहत तरल अपशिष्ट प्रबंधन के काम में वर्ष 2021-22 में करोड़ों रुपए के घोटाले की बात सामने आई थी। अब इसको लेकर शासन सख्त नजर आ रहा है। जहां जिला और राज्य स्तरीय अधिकारियों की जांच रिपोर्ट मिलते ही अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह, कानपुर मंडल के डिप्टी डायरेक्टर पंचायत अभय कुमार शाही, तत्कालीन डीपीआरओ नमिता शरण और वर्तमान डीपीआरओ अभिलाष बाबू को निलंबित करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं काम में लापरवाही बरतने पर राज्य कंसल्टेंट और पीएफएमएस के विशेषज्ञ की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी के तत्कालीन पटा सहायक के खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, जनपद में जो SLWM का पैसा 2021-22 में रिलीज हुआ था, उसमें कुछ तथ्य कुछ लोगों द्वारा प्रधानों को पैसे देके वहां पे कार्य नहीं हुआ था, इस प्रकार का एक प्रकरण संज्ञान में आया था, जिसके बाद यहां पर विधिवत जांच करी गई और प्रकरण में FIR नामजद FIR भी कराई गई और अज्ञात जो भी लोग थे पूरी तरह से FIR कराई गई और ये प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया गया, जिसके क्रम में शासन ने एक ठोस कार्रवाई करी है ये मैसेज देने के लिए कि किसी भी लेवल पे किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार वो टॉलरेट नहीं कर रही है, सरकार भी नहीं कर रही और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी बिल्कुल टॉलरेट नहीं होगा।